तो भाई लोग, कल मैं जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तब YouTube पे एक ऐसी हलचल हुई जिसे YouTube के ट्रेंडिंग पेज पे सुनामी आ गई। भाई लोग, तुमने अपने जमे हुए दिमाग से सही गेस किया। मैं बात कर रहा हूँ एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया की। भाई लोग, हम सब जानते हैं कि हमारा मार्वल के साथ फेज 4 कैसा गया। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो एक्सपेक्टेशन बहुत था, पर मार्वल वालों ने उस पर अच्छे से हगा है। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के साथ हमारा फेज 5 स्टार्ट होगा, जो कि हमें 17 फरवरी को देखने को मिलेगा। और उस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर कल रिलीज़ हुआ। और भाई, पूरा ट्रेलर देखने के बाद मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, चुम्मेश्वरी। मतलब हद पार, पूरी मज़ेदार, पूरी झक्कास। बस भाई लोग, मेरे मन में सिर्फ एक ही शंका है कि इन लोगों ने गलती से हमें पूरा मूवी ना बता दिया हो, क्योंकि मेरे को ट्रेलर देखे तो ऐसा लगा कि इन लोगों ने पूरा मूवी ही बता दिया है। बट हम सब जानते हैं कि मार्वल समटाइम्स नेवर डिसअपॉइंट। हाँ भाई, ट्रेलर के बारे में बोलने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मूवी को जिसने म्यूज़िक दिया है ना भाई, तुम राजा हो। क्रिस्टोफर बेक, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोग क्रिस्टोफ को नहीं जानते तो ये भाई साहब फ्रेंचाइज म्यूज़िक डायरेक्टर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब इन्होंने ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइज के लिए म्यूज़िक दिया है, जैसे कि फ्रोजेन, हैंगओवर, एंटमैन, एज ऑफ टुमारो और फ्री गाय। तो हम लोग को ट्रेलर की स्टार्टिंग से ही एंटमैन और कैंग की कन्वर्जेशन सुनाई जाती है, जहाँ पे कैंग एंटमैन को पूरा धमका रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है। और एंटमैन की पूरी वाट लग चुकी है, बिकॉज उसने कैंग को प्रॉमिस किया है। वो प्रॉमिस क्या है, ये हम लोग को मूवी में देखने को मिलेगा। जैसे कि हमें ट्रेलर में बताया गया है कि एंटमैन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो फैमिली को चूज़ करे या तो कैंग के खिलाफ जाए। तो भाई लोग, मुझे ये तो नहीं पता कि कैंग को क्या चाहिए, पर स्कॉट को क्या चाहिए वो मुझे पता है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है टाइम, समय। क्योंकि एंटमैन आकाश स्कॉट को अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि एंटमैन 2 के बाद एंड गेम तक वो सिर्फ एक सुपर हीरो था। क्योंकि एंटमैन 2 में वो टाइम में फंस जाता है, और जब टाइम से आता है तब वो थैनोस से लड़ता है। एंड डैडी कैंग समय का राजा है, जो टाइम के आर पार जा सकता है और एक नया टाइम पैरेलल बना सकता है, और इसके साथ ही साथ वो एक नया यूनिवर्स भी बना सकता है, बिकॉज कैंग यही तो करता है। एंड तुम लोगों ने लोकी देखा है तो उसमें बताया जाता है कि कैंग मिलियंस ऑफ ईयर से टाइम को कंट्रोल कर रहा था, एंड वो भी TVF के मदद से। एंड आखिरी में सिल्वी कैंग को मार देती है। तो तुम लोग के माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि कैंग जिंदा कैसे है। तो भाई लोग, इसका जवाब तुम्हारा भाई देगा तुम्हें। तो भाई लोग, मैं बता दूं कि हर टाइमलाइन में एक नया कैंग है, एक अलग कैंग है, जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से टाइमलाइन में फंसे हुए हैं। और उसमें से एक कैंग था लोकी वाला, और एक कैंग एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया का। तो भाई लोग, कैंग एक नहीं है, हर टाइमलाइन में एक अलग कैंग एग्जिस्ट करता है, जो कहीं ना कहीं एक जगह फंसा हुआ है। एंड एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में एक कैंग के बारे में बताया जाता है, जो कि एक क्वांटम रेल में फंसा हुआ है, और एंटमैन उसकी मदद करेगा उससे वहाँ से निकलने में। और हमें जो एंटमैन मूवी में जो कैंग दिखाया जाएगा, वो एक ह्यूमन होगा। मतलब रियल डैडी कैंग अभी तक आना बाकी है, जो कि हमें द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा। हाँ भाई लोग, एक चीज़ तो रह गया। जब कैंग मिलता है एंटमैन से, तो एंटमैन और कैंग के बीच में कन्वर्जेशन होता है, जहाँ पे एंटमैन अपने फ़ायदे बताता है, कैंग और कैंग अपने फ़ायदे बताता है। एंड हाँ भाई लोग, एक चीज़ तो रही गया, एंटमैन को ज़रूरत है कैंग की, और कैंग को ज़रूरत है एंटमैन की, क्योंकि इन दोनों के एक दूसरे से एक अलग फ़ायदे हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर एंटमैन कैंग को बोलता है कि कैंग को जो चीज़ की ज़रूरत है, एंटमैन उसे वो चीज़ ला के देगा। और फिर एंटमैन अपने सेना के साथ उसको लेने निकल जाता है। और ये सारे कारनामे सिर्फ एक शख्स के वजह से हुआ, और वो है कसेंद्रा। और हाँ भाई लोग, ये मूवी बहुत ज़्यादा सीरियस टोन को फॉलो करने वाली है, जब एंटमैन और उसकी बेटी क्वांटम रेल में घुसेंगे, और बाद में वो जो क्वांटम रेल में जो भी सीन होगा, उससे हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि एंटमैन कितना पावरफुल है, बिकॉज उसको कभी पावरफुल बताया ही नहीं गया है। तो भाई लोग, हर इंसान को अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल चाहिए, जहाँ पे सब लोग उस इंसान को एक हीरो के नज़रिए से देखे। एंड ये मूवी एंटमैन को टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेके जाएगी, बिकॉज एंटमैन इज़ वेरी अंडररेटेड सुपर हीरो। एंटमैन की फ्रेंचाइज टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाने वाली है इस मूवी के बाद, अगर ये मूवी जिस हिसाब से चल रही है। और जब एंटमैन मल्टीवर्स के डैडी के सामने आएगा, अका कैंग द कॉन्करर, तब तो सिर्फ थिएटर में सीटी बजने वाली है, धमाका होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है माहौल। एंड हाँ, इस ट्रेलर के आखिरी सीन में कैंग अपनी पावर की एक झलक बताता है, जो कि मनी पॉइंट सीन है। और इस ट्रेलर का सबसे धांसू, ज़बरदस्त, खतरनाक, आग में पेट्रोल वाली सीन थी, जब मिलियंस ऑफ एंटमैन साथ में आते हैं, और इससे पता चलता है कि कैंग कितना पावरफुल है। तो भाई लोग, तुमने एक चीज़ नोटिस की जो इस ट्रेलर को और खूबसूरत बनाती है, वो है कैंग की सिटी। इसमें एक सीन आता है जहाँ पे कैंग की सिटी के आजू बाजू से रिंग्स निकलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं शेंची के रिंग से कनेक्ट है।
और केंग को शायद उस चीज की जरूरत है बिकॉज शंग-ची के पास जो रिंग है उसका अभी तक 1% पावर भी यूज नहीं हुआ है जो केंग स्पेशली कर सकता है। पर जब वो रिंग्स केंग के पास आएगा तब वो असली धमाका करेगा बिकॉज केंग यही तो करता है और केंग को पता है कि उस रिंग को कैसे यूज करना है। एंड हाँ, ये मूवी शायद से नोवे होम के बाद का स्टार्टअप लेगी बिकॉज एज वी ऑल नो कि स्पाइडरमैन कौन है ये हम सब लोग नहीं जानते। हम लोग नहीं मतलब जो मूवी में उन लोग नहीं जानते। एंड मिस्टर स्कॉट को लोगों ने स्पाइडरमैन मान लिया है पर कहीं ना कहीं एक डर है कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटोमेनिया थॉर लव एंड थंडर जैसी ना निकले। और हाँ भाई लोग, ये मूवी से तुम लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना बिकॉज एक्सपेक्टेशन रखोगे नहीं तो टूटेगी नहीं। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ भाई लोग, मैंने पठान का ट्रेलर रिव्यू भी किया तो जाके देख लेना अगर टाइम मिले तो। तो भाई लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मेरा बाय बाय बाय।